वेलकम स्टूडेंट्स, हम हमारे डिज़ाइन ऑफ स्कूल थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट हमारा था, उसमें हमने किस किस टर्म के बारे में बात की थी। बेसिक नॉमिनक्लेचर के बारे में हमने बात की, उसके बाद हमने स्क्रू डेजिग्नेशन के बारे में बात की, थ्रेड डेजिग्नेशन के बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की थी वहाँ पर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक इसमें जो बनता है, इसको हमने पार्ट टू नाम दिया है, जिसमें हमने किन किन की चीज़ों को कंसिडर किया है। यहाँ पर हम शुरू से लेकर आखिर तक बात करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में, कि जब नट और बोल्ट के स्क्रू के जॉइंट बनाए जाते हैं तो वहाँ पर किस किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप होती है, कहाँ पर शेयर स्ट्रेस पिक्चर में आएगी, कहाँ टेंसाइल स्ट्रेस पिक्चर में आएगी, कहाँ क्रशिंग स्ट्रेसेस पिक्चर में आएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखें, यहाँ पर जब आप यहाँ पर लॉक बनाते हैं नट बोल्ट का या स्क्रू जॉइंट्स का, तो तरीके की स्ट्रेसेस यहाँ पर पिक्चर में आती है। तो हमने सबसे पहला कंसिडरेशन यहाँ किया है स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टनिंग ड्यू टू स्टेटिक लोडिंग। स्टेटिक लोड हो, लोड वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेसेस पिक्चर में आएगी। सबसे पहली इंटरनल स्ट्रेसेस किस लिए, कि जब आप वहाँ पर लॉक करते हैं तो टॉर्क लगाते हैं, तो उसके कारण अंदर जब थ्रेड्स एक दूसरे के रेफरेंस में रिलेटिवली मूव करते हैं तो वहाँ पर स्क्रूइंग अप फोर्सेस पिक्चर में आते हैं, तो उसके कारण कौन कौन सी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होती है। दूसरा, एक्सटर्नल फोर्सेस, जो लोड आपने वहाँ पर एप्लीकेबल किया है उस पूरे के पूरे जॉइंट के ऊपर, वहाँ पर कितनी तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप होगी। और दूसरा, क्योंकि जब आप कोई जॉइंट बनाएंगे तो लॉक भी करेंगे, अनलॉक भी करेंगे वहाँ पर, तो स्क्रूइंग अप फोर्सेस भी आएंगे, और जब जॉइंट बन गया, कोई पार्ट बन गया सिस्टम का, तो वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगेंगे, तो कॉम्बिनेशन के कारण कौन कौन सी स्ट्रेसेस वहाँ पर पिक्चर में आएगी, या किस तरीके से हम हमारी इंटरनल स्ट्रेसेस और एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो स्ट्रेसेस होगी उनको कॉम्बिनेशन में किस तरीके से कंसिडरेशन करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रूइंग अप के कारण जो फोर्सेस हैं, इसके कारण जो स्ट्रेसेस होती है, इसे हम लोग एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब आप लॉक कर रहे हैं तो वहाँ पर रिलेटिव मोशन है, किस तरीके से थ्रेड्स एक दूसरे के रेफरेंस में चल रहे हैं, लॉक बना है, और आपका जो बोल्ट है वो नट के थ्रू जाने से पहले मेटल या बॉडी पार्ट्स के थ्रू मूव करता है। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर होती है तो आपकी जो स्ट्रेसेस है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हम लोग वहाँ पर। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को और जॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग डिज़ाइन करते हैं। लेकिन क्या चीज़ हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब यील्ड पॉइंट हमारा जो होता है, स्ट्रेसेस की वैल्यू जो होती है, यील्ड पॉइंट वैल्यू, वह उसको हम लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके अलाउएबल की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। तो इससे हमारा जो डायमीटर है वो और कम आ जाता है। तो हमारा पूरे के पूरे सिस्टम को लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बेसिस पर डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी स्ट्रेसेस आएगी वो आएगी टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट का क्या मतलब हुआ, कि जब आप उस बोल्ट को या नट को टाइट कर रहे हैं, बोल्ट के हेड पर स्पैनर चलाकर उसको टाइट कर रहे हैं, तो नट और बोल्ट आपस में एक दूसरे को टेंसाइल फोर्स के द्वारा खींचते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कैलकुलेशन करने का, लेकिन इसके लिए हमने जो फार्मूला बनाया हुआ है वो एम्पिरिकल रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। एम्पिरिकल रिलेशन मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, कि जब ये इस तरीके से जॉइंट बने, आप उसे टाइट करें, तो उस पर इनिशियल टेंशन कितनी आएगी। तो इनिशियल टेंशन का हमारा डायरेक्ट फार्मूला है PI इज इक्वल टू 2840 D न्यूटन्स में, और यहाँ पर D की वैल्यू जो है वो है मिलीमीटर में, और D हमारा है नॉमिनल डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फार्मूला हम काम में ले रहे हैं, ये किसके लिए काम में लेते हैं, जब आपको जॉइंट को फ्लूड टाइट का मतलब क्या हुआ,
किसी भी तरीके का लीकेज वहां पर अलाउेबल और परमिसिबल नहीं हो। कहां पर काम में आएगा, कोई स्टीम का मूवमेंट हो, कोई फ्लूइड का मूवमेंट हो, कोई गैस का मूवमेंट हो, तो इस तरीके के जहां पर लिक्विड के मूवमेंट्स होते हैं, गैसियस मूवमेंट्स होते हैं, वहां पर जब लीक प्रूफ जॉइंट बनाना होता है तो इनिशियल टेंशन या इनिशियल लोड जिसे हम कंसिडर करते हैं उसका फार्मूला है हमारा 2840 न्यूटन। यहाँ स्टूडेंट्स एक खास बात और ध्यान रखने की है कि हमारे बोल्ट जो M16 या M18 से जो छोटे होते हैं, ये जब आप इसे ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये टाइटनिंग में फेल होने की इनकी संभावना रहती है। तो इस M16 या 18 से जो छोटे बोल्ट या नट होते हैं हमारे, उनको हम फ्लूड टाइट जॉइंट्स के केस में काम में नहीं लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे हम इसमें बढ़े तो जब हमें जॉइंट को फ्लूड टाइट रिक्वायरमेंट नहीं हो तो उस केस में हम इनिशियल टेंशन या इनिशियल लोड की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को इससे आधी कर देते हैं, 2840 की जगह 1420 डी न्यूटन। इसका मतलब टेंशन इन अ बोल्ट इज रिड्यूस टू हाफ, आधी कर देते हैं, आधा कंसिडरेशन ही हम यहाँ पर लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब आपको जॉइंट को फ्लूड टाइट बनाना है तो आपको स्ट्रेसेस वहाँ पर ज़्यादा पिक्चर में आए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस caused by the frictional resistance of the threads during its tightening. Frictional resistance का क्या मतलब हुआ कि जब आप threads को tight करते हैं तो एक thread दूसरे thread के reference में internally move करता है। Basically bolt nut के through जब जाएगा तो दोनों के दोनों threads एक दूसरे के reference में relatively यहाँ पर move करते हैं, तो उसके कारण से वहाँ पर torque picture में आ रहा है। तो जहाँ पर टॉर्क पिक्चर में आता है वहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, और शियर स्ट्रेस जो है वो कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, हम हमारी जो बेसिक टॉर्शन इक्वेशन जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी टॉर्शन इक्वेशन क्या कहती है कि T/J इज इक्वल टू T/R, वेयर T इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्क, J हमारा जो है वो है क्या पोलर मूवमेंट, R हमारा रेडियस है, ठीक है, और टॉप शियर स्ट्रेस है हमारी, ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो जे की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, π/32 DC4, और रेडियस को हम लिख सकते हैं diameter/2, तो ये DC/2। ये DC क्यों कंसिडरेशन में आ रहे हैं, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जब भी स्ट्रेसेस पिक्चर में आएगी तो शुरुआत में जो हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें हैपन होती है, एक्चुएट होती है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को यदि मैं सॉल्व करूँ तो मेरे शियर स्ट्रेस का फार्मूला आ जाता है 16T/π DC³, ठीक है स्ट्रेट्स। अब हम क्या कहें, आगे बात करें इसी में, तो इसमें क्या होता है कि जब रिपीटेड टाइटनिंग और अनस्क्रूइंग होती है नट और बोल्ट असेंबली की, मतलब जब हम उसे हम कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेरी नेचर का जॉइंट है तो आप बार बार उसे लॉक और अनलॉक भी करोगे तो थ्रेड्स के ऊपर ग्रेजुअल स्क्रूइंग हो जाती है, तो उससे क्या नुकसान होता है हमारा, वो शियर स्ट्रेस को या हम कहें कि इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस की वैल्यू को वो इंक्रीज कर देता है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जब इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, तो देखो ऊपर जो फार्मूला हमने लिखा वो क्या लिखा, T/J/R, तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगी तो बाकी सब चीजें तो कॉन्स्टेंट है, तो हमारा जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है या टॉर्क है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। हमारा तीसरा जो इसमें स्ट्रेस है वो है शियर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड्स। अब ये अक्रॉस द थ्रेड्स है, इसका मतलब यहां पर रिलेटिव मूवमेंट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, परंतु क्योंकि टॉर्क वहां पर लग रहा था, लोड के कारण टॉर्क पिक्चर में आ रहा था, तो उसमें जो शियर स्ट्रेस है वो किस तरीके से पिक्चर में आएगी। तो ये देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि एवरेज थ्रेड शियरिंग स्ट्रेस फॉर द स्क्रू T/S, ठीक है, P/π DC, पाई डी सी एक थ्रेड की लेंथ हो गई, इसको मैंने विड्थ ऑफ द थ्रेड B से मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक थ्रेड का एरिया बना, और इसको मैंने N से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ थ्रेड इन जॉइंट या एक्शन में जितने भी थ्रेड्स हैं वहां पर, तो ये स्क्रू के लिए हो गया या बोल्ट के लिए हो गया। और इसी तरीके से नट अगर साथ में वहां पर है तो नट के लिए शेयर स्ट्रेस T/N
वापस वही पी अपॉन पाई डी, हमने शुरुआत में ही नॉमेनक्लेचर में ही बात की थी कि हमारे बोल्ट के लिए तो डीसी जो है वो कोर डायमीटर मिनिमम है, लेकिन यही काम इंटरनल थ्रेडिंग नट के केस में कंसिडर की जाती है, तो वहाँ पर हमारा मिनिमम डायमीटर हो जाता है नॉमिनल डायमीटर। तो वो जो पाई डीसी था इन केस ऑफ बोल्ट और स्क्रू, इन केस ऑफ नट ये चेंज होकर हो जाएगा पाई डी, बाकी फार्मूला वो का वही सेम रहता है। तो यहां से आप इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस, रिलेटिव मूवमेंट जहां पर भी होगा, जहां पर कोई भी दो थ्रेड्स एक दूसरे के सापेक्ष गति करेंगे वहां पर कंप्रेशन या क्रशिंग आएगी। तो क्रशिंग में एक थ्रेड का एरिया हमने लिख लिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये एक थ्रेड का एरिया हो गया। इसको मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो क्रशिंग स्ट्रेस का फार्मूला है वो बन जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से पिक्चर में आ जाता है और हम इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये तीनों तरीके की टेंसाइल भी हो गई, क्रशिंग भी हो गई और शियरिंग भी हो गई। इसके अलावा एक बेंडिंग स्ट्रेसेस और पिक्चर में आती है। बेंडिंग स्ट्रेसेस कब पिक्चर में आती है? जब लगने वाला लोड और उसकी जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर उस तरीके से पिक्चर में नहीं आएगी। क्या कंसिडरेशन बनेगा हमारा? तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जब सर्फेसेज अंडर द हेड और नट, इसका क्या मतलब हो गया कि जो बोल्ट का हेड है उसके नीचे की सरफेस और नट के नीचे की सरफेस एक दूसरे के दोनों एग्जैक्टली पैरेलल नहीं हो या बोल्ट एक्सिस के रेफरेंस में नहीं हो, तो उस केस में हमारी बेंडिंग स्ट्रेस पिक्चर में आती है। और ये बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर इंट्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स? बेंडिंग स्ट्रेस होती है शैंक ऑफ द बोल्ट के अंदर, ये वहां पर हमारे इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमने स्टैंडर्ड इसका फार्मूला लिख लिया है स्टूडेंट्स, सिग्मा बी इज इक्वल टू x इंटू ई अपॉन टू एल। एक्स क्या है? डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स, वो जो वहां पर डिफरेंस बन रहा है दोनों सर्फेसिस के बीच में उसको तो हमने x के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और l हमारी है लेंथ ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट। तो ये फार्मूले से हम बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो e है हमारा वो क्या है? यंग्स मॉडुलस फॉर द मटीरियल ऑफ द बोल्ट। तो यहां पर सारी चीजें आपको यदि नोन हो जाए तो ये बेंडिंग स्ट्रेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर मैं बात करूं तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होती है, तो यहां पर मैं उससे बेसिक स्ट्रेस से इसको कंपेयर कर सकता हूं। तो ये तो हमारी बात हुई बिल्कुल बेसिक बेसिक किसके बारे में कि इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्सेस होगी तो वो कौन कौन सी होगी। तो ये इस तरीके से ये पांच स्ट्रेसेस पिक्चर में आती है। लेकिन जब हम इसे डिजाइन पैरामीटर्स के अंदर कंसिडर करते हैं तो बेसिक हमारा बिल्कुल शुरुआत का फार्मूला पी आई इज इक्वल टू 2840 डी न्यूटन या 1420 डी न्यूटन, वो दोनों फार्मूले बेसिक है हमारे, वो दोनों फार्मूले हम काम में ले सकते हैं, फ्लूड या लीक प्रूफ जॉइंट बनाना हो तो या नॉर्मल जॉइंट बनाना हो तो। तो इस तरीके से वो फार्मूला हम काम में ले और बाकी स्ट्रेसेस कंसिडर करते हुए आगे बढ़े। और इन जो बाकी चार स्ट्रेसेस हमने यहाँ पर लिखी इनका कंसिडरेशन नहीं करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए हम आगे हैं। दूसरी बात, स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज। तो एक्सटर्नल फोर्सेज में जब लगेंगे फोर्सेज वहां पर तो ये कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होगी? तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेज के केस में जब सबसे पहले जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो कौन सी है? टेंसाइल स्ट्रेस। ये कब डेवलप होती है? जब बोल्ट किसी लोड को सपोर्ट करे और लोड जो है वो उसी एक्सिस पर लग रहा हो जो हमारे बोल्ट की एक्सिस है। ये ध्यान रखने की बात है, बोल्ट के सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है उसी एक्सिस पर यदि बोल्ट लोड लगे तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस वहां पर डेवलप होती है। किस तरीके से होती है? कि ये उस बोल्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टूडेंट्स कहां पर एक्ट करेगी? स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द थ्रेड पे, इसका मतलब हो गया रूट या कोर डायमीटर पे। तो उसके लिए हमारा फार्मूला, फेलियर का फार्मूला या एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई बाय फोर डी सी स्क्वायर। तो टेंसाइल लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? एरिया मल्टीप्लाइड बाई टेंसाइल स्ट्रेस। तो लोड इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी सी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। यहां से हम DC को कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4P अपॉन पाई सिग्मा T।
40। अब ये ध्यान देने की बात है कि ये डीसी तो हमारे यहाँ पर इस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, परंतु नॉमिनल डायमीटर जो हमारा है वो कैलकुलेट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये डीसी और नॉमिनल डायमीटर के बीच में एक बेसिक रिलेशन है, डीसी इज इक्वल टू 0.84 डी। ठीक है, तो ये फार्मूला हम काम में लेके यदि डीसी आपने कैलकुलेट कर लिया हो तो नॉमिनल डायमीटर बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप बड़ी कोई डिजाइन प्रॉब्लम्स करते हैं तो वहां पर तो बेसिकली क्या होता है कि टेबुलेटेड फॉर्म में डेटा दिए हुए होते हैं कि एक बार आपने डीसी कैलकुलेट कर लिया, उसको रेफरेंस में आप डीसी को टेबल से चेक कर ले और उसी के रेफरेंस में आउटर डायमीटर, पिच, बाकी सब चीजें कैलकुलेट की जाती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द थ्रेड्स ड्यूरिंग इट्स टाइटनिंग। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि जब आप थ्रेड्स को टाइट करते हैं तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के रेफरेंस में इंटरनली मूव करता है, बेसिकली बोल्ट नट के थ्रू जब जाएगा तो दोनों के दोनों थ्रेड्स एक दूसरे के रेफरेंस में रिलेटिवली यहां पर मूव करते हैं, तो उसके कारण से वहां पर टॉर्क पिक्चर में आ रहा है। तो जहां पर टॉर्क पिक्चर में आता है वहां पर शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, और शियर स्ट्रेस जो है वो कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, हम हमारी जो बेसिक टॉर्शन इक्वेशन जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी टॉर्शन इक्वेशन क्या कहती है कि टी अपॉन जे इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर, वेयर टी इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्क, जे हमारा जो है वो है क्या पोलर मूवमेंट, आर हमारा रेडियस है, ठीक है, और टॉप शियर स्ट्रेस है हमारी, ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो जे की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, पाई अपॉन 32 डीसी 4, और रेडियस को हम लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2, तो ये डीसी बाई 2। ये डीसी क्यों कंसिडरेशन में आ रहे हैं, हमने शुरुआत में ही बात की थी, कंबाइंड टेंसाइल और शियर स्ट्रेसेस जब दोनों कंबाइंड हो, बोल्ट के ऊपर टेंशन और शियर दोनों तरीके के लोड पिक्चर में आ रहे हो, तो डायमीटर और शैंक ऑफ द बोल्ट जो है वो शियर लोड के केस में काम में आएगा और थ्रेडेड पार्ट जो है वो टेंसाइल लोड के केस में कैलकुलेट होगा। तो दोनों के केस में जो डायमीटर बड़ा होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे, और मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ टॉ का स्क्वायर। इसी तरीके से मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस की यदि मैं बात करूं तो सिग्मा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा टी बाई 2 प्लस 1/2 सिग्मा टी स्क्वायर प्लस 4 टू स्क्वायर। तो ये पूरे के पूरे फार्मूले हमारे पास अवेलेबल है, हम इसमें से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कंसिडर करते हुए इनको डिजाइन करते हैं।